सात की सात विधानसभा में से छह विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस की जीत हुई, मगर एक सिवाना विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पाई। जो मैं अकेला एक चल रहा था उसकी जगह इन सब का मेरे को साथ मिला है, तो निश्चित रूप से ये सिवाना कांग्रेस और सिवाना विधानसभा के लिए बहुत अच्छी। बीते दिनों जब कांग्रेस में पर्यवेक्षक यहाँ सिवाना आए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है दो धड़ों में बटी हुई नजर आई थी। उस पर सिवाना में भाजपा, मैं नहीं जानता हूँ कभी मौत था, तो वो हमारी कुछ कमियों के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण बीजेपी सत्ता में आई। अदरवाइज बीजेपी के पास वोट बैंक नहीं, किसी को भी टिकट मिला स्थानीय को लेके यहाँ पे, तो उसमें सब एक साथ होके और कांग्रेस को इस बार यहाँ से जीत के लिए। ना तो मैं किसी के ऊपर अनगल कोई तरह के आरोप लगाना चाहता हूँ, ना मैं किसी तरह की ओछी राजनीति में, ना तो मेरे खून में, ना मैं करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो विधायक महोदय की अगर रिपोर्ट कार्ड पे अपन बात करें तो ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट कार्ड रही नहीं, और माननीय विधायक साहब अगर चाहते तो एरिया का बढ़िया काम हो सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत कई योजनाएं तो लाए, जैसे कि आपने चिरंजीवी योजना का बात कही, फोन की भी एक फोन वितरण की कार्य शुरू किए गए हैं, महंगाई राहत कैंप लगाया गया था, पर उनका यह कहना है कि चुनावी साल में ही क्यों ऐसा किया, पहले क्यों नहीं ऐसा किया। मुख्यमंत्री जी ने तो जानवर जो होता है बेचारा जो बोल नहीं सकता, उनके लिए तक दवाएं फ्री कर दी, तो अगर महिला को सशक्त करने के लिए अगर फोन दे दिया तो एक चुनावी घोषणा होगी। सड़कें बन के जिन सड़कों से आप घूम रहे हो, हम अपन सब घूमते हैं, वो क्या आज ही हुआ है कि पट्टे दिए हैं, आप डेटा उठा के देखें, मेरे ख्याल से हम लोग वार्ड में सेकंड थर्ड नंबर पे हम लोग आए थे पट्टे देने में। नमस्कार, मैं मनोज पांडे, स्वागत करता हूं आप सभी का डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और आज हमारे मेहमान है एक ऐसे नेता जो कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और सिवाना में कांग्रेस से दावेदारी भी कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा पंकज जी प्रताप सिंह का। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में, और मैं चाहूंगा कि आप डीसीएन के दर्शकों को अपना एक परिचय भी दे। सर, सबसे पहले तो मनोज जी आपका और आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ कि आपने आपका समय निकाल के सिवाना के बारे में चर्चा करने आप पधारे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं, मेरा गांव ये समदरी और मेरा गांव एक ही सरहद है दोनों की, और रानी देसीपुरा गांव से हूँ। मेरा परिवार का बहुत लंबा पुराना इतिहास है, मेरी आठवीं जनरेशन हूँ इस गांव में रहते हुए जी, और पिछले 55 साल तक हम लोग यहाँ से इस गांव से रानी देसीपुरा से हम सरपंच रहे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अभी वर्तमान में भी मेरी चाची जी, जो मेरे चाचा संग्राम सिंह जी, उनकी वाइफ भी अभी वर्तमान में वही सरपंच है, और गांव से भी जुड़े हुए हैं और एरिया से भी जुड़े हुए हैं। मेरा ननियाल भी इसी पंचायत समिति में आता है, बामसिंह मेरा ननियाल है, मेरा व्यापार भी यहीं पे है सिवाना के पास मैली में, तो इस एरिया से मैं बचपन से, मेरा इस एरिया से बहुत लगाव रहा है, और उसी कारण आपने देखा होगा मेरे फार्म पे जो मैंने प्लांटेशन और जो डेवलपमेंट किया है, तो मेरा हमेशा गाय भी देखने को मिल रही थी, गाय वगैरह सब कुछ है, मैं गायों का, इनका, सबका खेती बाड़ी का शौकीन हूँ, तो शुरू से मेरा इस एरिया से लगाव रहा। बीच में जरूर शिक्षा और व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मेरे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, मैं भाग्यशाली था तो मुझे जोधपुर तक ही जाना पड़ा, और अब मैं पुणे पिछले करीब 7, मैं वैसे तो 2005 में यहाँ माइनिंग में आ गया था, तो 2005 से ही मैं यहाँ सक्रिय हूँ, 2005 से ही मैं सिवाना बेल्ट में घूम रहा हूँ, सिवाना बेल्ट का पूरा एरिया देख रखा है, सिवाना बेल्ट में सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ, और वैसे मैं जब बड़ौदा से, मैंने मेरी महाराजा शिवाजीराव यूनिवर्सिटी से मैंने मेरी कॉलेज की, कॉलेज करके जब मैं 98 में आया था व्यापार करने, और सन 2000 के अंदर स्वर्गीय पूर्व मंत्री हमारे राम सिंह जी बिश्नोई थे उनके सानिध्य में, और जब उसी वक्त 2000 के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो मैंने कांग्रेस की शपथ ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करके तब से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी ने संगठन में भी कई जगह दी, काम करने का मौका मिला, गुजरात चुनाव में भी मुझे जगह दी गई, मुझे पश्चिम बंगाल में भी काम करने का मौका मिला, तब से ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल से लंबा आपका इतिहास, कांग्रेस पार्टी से 20 साल से ज्यादा अब तो समय हो गया है, और एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं मेरे एरिया से जुड़ा हुआ हूँ, और इस एरिया में काम करने में, इस एरिया का जो घूमना फिरना, विदेश भी घुमा हूँ मैं, पूरे भारत में भी घूमता हूँ, पर फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे राजस्थान में भी बाड़मेर जिला, और बाड़मेर जिला में भी सिवाना विधानसभा में जन्म दिया या रहने का मौका मिला, तो अब कितना भी कुछ भी हो तो अपने यहाँ के आज भी लोग, अपने यहाँ का भाईचारा, प्रेम, वो एक अलग ही चीज़ है। ये चीज़ हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि वाकई में अपना एरिया ही है, और आज भी अपने यहाँ के लोग सब तरीके से, अच्छे तरीके से अपना भाईचारे के हिसाब से रहते हैं,
वो अपने आप में एक बहुत खास बात है। जी, आप काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और आपने कांग्रेस को लेकर कई बातें बताई, लेकिन एक सवाल ये था कि 2018 में जब अगर हम बात करें बाड़मेर, जब उस वक्त ये जिला था, तो सभी विधानसभा सीट 7 की 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस की जीत हुई, मगर एक सिवाना विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पाई। क्या लगता है क्या कमी रह गई थी जिसको अब इस बार ठीक कर आप जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे? आपकी बात मानता हूँ कि कुछ गलतफहमियां, कुछ कमियां रह गई थी जिनके कारण हम चुनाव हार गए थे, पर वो गलतियों को हमने स्वीकार करके और उन गलतियों पे हमने खूब मंथन करके, और अभी आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि जो जैसे बालाराम जी मेरे सामने चुनाव लड़ा था, बालाराम जी, आजकल मैं और बालाराम जी और पूरा कांग्रेस जो जीवाना की जो मूल कांग्रेस है, ओरिजिनल जो कांग्रेस है, वो सब संगठित हो गए। आज नहीं हुए या चुनाव के टाइम नहीं हुए, अगर आप देखें उठा के, तो पिछले 3 साल से हम लोग सब एक संगठित हैं, संगठित तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और हम सबने कबूल किया है कि भाई ये जो भी गलतियां रही है वो पुनः नहीं हो, और उन गलतियों को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। बालाराम जी के जुड़ने से संगठन को और मजबूती मिली? बिल्कुल मिली, बालाराम जी को मिली जुड़ने से, गोपा राम जी, मुकुंद सिंह जी, उमा राम जी, जो भी हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता है, उन सबके साथ जुड़ के काम करने का मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है। जो मैं अकेला एक चल रहा था, उसकी जगह इन सबका मेरे को साथ मिला है, तो निश्चित रूप से ये सिवाना कांग्रेस और सिवाना विधानसभा के लिए बहुत अच्छी चीज। संगठन को मजबूती तो मिली है, आप क्या जैसे बता रहे हैं बालाराम जी के आने से, मगर बीते दिनों जब कांग्रेस में पर्यवेक्षक यहाँ सिवाना आए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है दो धड़ों में बटी हुई नजर आई थी, उस पर आप जरा रोशनी डालिए। देखिए साहब, के दो ब्लॉक हैं, और ये नहीं है कि खाली सिवाना के अंदर ही दो मीटिंग हुई थी। लोकतंत्र है, कोई कहाँ बैठ के मीटिंग कर रहा है, कोई कहाँ बैठ के मीटिंग कर रहा है। जैसा आपको बता, शिव में भी 3 जगह हुई थी, और भी जगह कई विधानसभा में मीटिंग हुई, तो कांग्रेस के बैनर के नीचे मीटिंग हुई, इसमें तो कोई नुकसान की बात है नहीं। लेकिन जो चर्चाएं उस घटना के बाद से इस तरह से होने लगी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो मांग है वो स्थानीय नेता को लेकर है, पैराशूट नेता को जो है उनकी कहना है कि इनको ना टिकट दी जाए, जरूर इस चीज पे सब जनों ने मंथन, और कार्यकर्ताओं का ये रुख है इस बार, जो पुराने कार्यकर्ता है जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा है, और जितने भी नेतागण यहाँ के वरिष्ठ जो कांग्रेसी, सभी को पीड़ा है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस यहाँ हार रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिवाना में कांग्रेस का गढ़ है, बिल्कुल अगर आप इतिहास उठा के देखें तो लंबे समय तक कांग्रेस यहाँ यहाँ पे जीती है, और ये सिर्फ आपसी कुछ मनमुटाव और कुछ कारणों के कारण ही कांग्रेस अपने, कांग्रेस को दूसरा कोई नहीं हरा रहा, बीजेपी कभी नहीं कांग्रेस को हरा सकती, कुछ आपसी गलतियां कुछ मनमुटाव के कारण बीजेपी और कांग्रेस जो हार रही है, उस चीज पे इस बार हम लोगों ने मंथन किया, आकलन किया, इसीलिए हम सब एक हुए, एक होके बैठ के, भाई कोई किसी की गलती हुई तो हम सब ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया, और कार्यकर्ताओं के हित में और कांग्रेस के हित में हम सब जनों ने एक होके इस बार, हमने एक तरह का प्रण ले चुके हैं कि हम लोग कांग्रेस को यहाँ से, इस बार किसी को भी टिकट मिला स्थानीय को लेके यहाँ पे, तो उसमें सब एक साथ होके और कांग्रेस को इस बार यहाँ से जीत दिलवाए। सिवाना को कांग्रेस की परंपरागत सीट जिस तरह से आपने ही बताया कि, मगर तो क्या आप ये मानते हैं कि इस सीट में हारने का एक कारण पिछले कई टर्म से ये रहा कि जो टिकट है वो स्थानीय नेता को नहीं मिलता था? स्थानीय को भी मिली, तब भी हम चुनाव हार गए थे, जैसे बालाराम जी को 2008 में मिली, गोपाराम जी को 2003 में मिली, पर वो कुछ ना कुछ हो ही जाता कभी ना कभी, उस चीजों को हमने आकलन की, मैंने जैसे आपको बताया उन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने गौर किया, हमारे संगठन के साथ बैठ के भी हमने तय किया, और अब ये फाइनल हो गया है कि अगर आप स्थानीय को टिकट देते हैं जिस किसी को भी, जैसे 3-4 जनों ने दावेदार किया, लोकतंत्र सबने अपने अपने, गोपाराम जी ने किया है, मोहन सिंह जी ने किया है, मैंने किया है, बालाराम जी ने किया है, तो हम में से किसी को भी स्थानीय को अगर टिकट मिलता है, और यही कार्यकर्ताओं की भी भावना है कि साहब इस बार स्थानीय को मिले, आप जगह जगह आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कई जगह आपने और भी चर्चाएं सुनी होगी, तो सबकी इच्छा ये है कि स्थानीय को मिले, और स्थानीय को इस बार सब साथ बैठ के, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बार स्थानीय को अगर टिकट दिए जाए, किसी को भी टिकट मिले, स्थानीय को मिले, हम सब एकजुट होके तन मन और धन से साथ लग के, और इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे, क्योंकि इस बार राजस्थान में भी रीत चेंज हो चुकी है कि जिस तरीके से आप तो एक चैनल को चला रहे हैं तो आपको पता ही होगा, और सर्वे आप देख ही रहे हैं, और सर्वे के अलावा जो काम मुख्यमंत्री जी ने किए ग्राउंड लेवल पे, अगर आप, हम लोग गाँव में ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, हमने बीजेपी का पिछला
कार्यकाल भी देखा था। आज अगर आप वास्तविक में गांव में अगर ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो कहीं पे भी कांग्रेस के एंटी इनकमेंसी वेव नहीं है। कांग्रेस का काम किया है वो उस काम को बीजेपी वालों को भी लाभ मिला है। खाली कांग्रेस वालों के लिए नहीं बनाएगी, कोई भी योजना बनाई है अगर मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस सरकार ने बनाई तो सभी के लिए, ग्रामीणों के और सभी के लिए, तो उसका सभी को लाभ मिला है और ग्राउंड लेवल पे किसी तरीके की एंटी इनकमेंसी वेव नहीं है। और मैं भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार राजस्थान और सिवाना दोनों जगह और बाड़मेर तीनों जगह रीत हमने बदल दी है कि रिपीट करने का, हम लोग राजस्थान में भी कांग्रेस रिपीट करेंगे। बाड़मेर जिला और बालोद्रा को मिला के अगर बात करें आप सात विधानसभा, तो सात की सात विधानसभा भी हम जीत के ये रीत बदलेंगे। और सिवाना के अंदर भी हमने ये एक सर हमारे सर पे हमने वो सारा बांध लिया है कि इस बार हमको सिवाना भी सीट जितानी है, हमको इस बार रीत बदलनी है। जी, आपको रीत बदलनी है और आप अभी टिकटों को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपका जो विपक्ष है भाजपा, उसके द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा की जा रही है और कुछ भाजपा के नेता का ऐसा कहना है कि सिवाना में एक माहौल बन गया है भाजपा के लिए। सिवाना में भाजपा, मैं नहीं जानता हूँ कभी माहौल था, ये हमारी कुछ कमियों के कारण हमेशा जो मार्जिन अगर आप देखें जिस मार्जिन से डाउन आती जा रही है, तो वो हमारी कुछ कमियों के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण बीजेपी सत्ता में आई है। अदरवाइज बीजेपी के पास वोट बैंक नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुराना इतिहास देखें तो हमेशा से ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। अगर आप 2009 और 2014 का लोकसभा को देखें, हरीश जी जब खड़े हुए, तो अगर आप सात आठ विधानसभा आती है हमारी, जैसलमेर को भी आप करें, तो सबसे ज्यादा वोट हरीश जी को सिवाना से मिले थे। जब वो जीते हों, जब सेकंड टाइम नहीं हम जीत पाए, तभी भी सबसे ज्यादा वोट उनको, अगर आप एक बार देखें, तो उनको वोट सिवाना से मिला। तो ये तो सिवाना गढ़ है। तो भाजपा अपने दम पे नहीं जीत के, और वो बरगला के जिस तरीके से उनकी रीति रीति है उस हिसाब से वो अपना इस गढ़ में कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का परचम लहराने के लिए किन उपलब्धियों के साथ इस बार आप जो है विधानसभा में गुजरेंगे? हमारे पास कई उपलब्धियां हैं। अगर आप यहाँ के किसी वरिष्ठ और किसी ग्रामीण से अगर आप पूछें, तो सिवाना में मेरे मानना है कि पिछले 50 साल क्या, जब भारत आजाद हुआ तब से समदड़ी से लगा के कल्याणपुर से लगा के समदड़ी से लगा के सिवाना तक एक सिंगल रोड हुआ करती, और जिसके अंदर बेनाप के खड्डे हुआ करते। आप किसी, मेरे ख्याल से 15 साल से ऊपर के किसी बच्चे को पूछ लें कि पिछले चार साल पहले सिवाना में सड़कों का क्या हाल था, और आज आप सड़कों का जाल देखें सिवाना के अंदर, सेंडरी के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ का जो मिसिंग लिंक और वो जो दी थी सड़कों का बजट है, उसके अलावा मोकलसर से पाली वाला स्टेट हाईवे बन गया, इधर से आप जोधपुर से काकानी और इसको रिको को कनेक्ट करते हुए अगर आप देखें तो रामपुरा तक रोड आ गई है। मैंने पैरवी की थी कि रामपुरा से समदड़ी तक हो जाए, मुख्यमंत्री जी ने उसको, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया और दिया। उसमें कुछ कठिनाई ये आ रही है कि काफी जगह, जैसे आपको पता हो कि रेलवे लाइन, जैसे अजीत गांव है तो अजीत के अंदर रेलवे की जमीन में रोड निकली हुई, महेश नगर है तो वहां पे भी रेलवे के जमीन के अंदर से रोड निकली हुई। तो ये कुछ विभागीय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही जिसके कारण स्वीकृति नहीं मिल पाई। बाकी तो ये रामपुरा से लगा के समदड़ी तक पूरा प्रोजेक्ट था, तो ये भी बहुत अपने आप में हो जाता कि रिफाइनरी से लगा के पाली जाना, जोधपुर का काकानी में जो रिको आ रहा उसको कनेक्ट कर ले, और आम जो यहाँ के नागरिक है, ग्रामीण है, काश्तकार है, तो अपनी चाहे खुद का डेयरी का प्रोडक्ट है, चाहे अपनी काश्तकारी का कोई सामान है, तो वो मंडी तक जा सके, शहर तक ले जा सके, तो ग्रामीणों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के, इस छोर से उस छोर तक और इधर जालौर से लगा के इधर जैसलमेर छोर तक सारी अगर आप सड़कें देंगे तो कंप्लीट स्टेट हाईवे हो गए। गांवों के अंदर पीडब्ल्यूडी के थ्रू सड़कों का बजट आया था, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ का अलग से बजट दिया जो सभी विधानसभा को दिया, तो ये तो बात हो गई आपकी सड़कों की। उसके अलावा सिवाना के अंदर हॉस्पिटल आया 50 बेड, समदड़ी के अंदर हॉस्पिटल मिला है, सिवाना में कॉलेज थी तो समदड़ी में कॉलेज मिली है, सेंडरी में कॉलेज मिली है, गर्ल्स कॉलेज मिली है, और स्कूल है तो बेनाप, बे हिसाब किताब, मैं शायद आपको याद करके भी नहीं बता सकता हूँ इतनी स्कूलों को क्रमोन्नत हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनी है, बिजली के क्षेत्र में सब डिविजन वगैरह का अपग्रेडेशन हुआ है, कल्ला राय मलोद से जो अगर आपने देखे हाई टेंशन जो टावर्स लग के, जो एक 11 की एलटी लाइन पे जो सिवाना का काम चलता था वो हाई टेंशन पोल वोल लग के बिजली के क्षेत्र में काम हुआ। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी समदड़ी का, हमारे 118 गांव जो राम सिंह जी के टाइम जुड़ चुके थे, थर्ड फ्लोर का पानी बढ़ेगा तो पानी की जरूर पीछे से कमी है, बट घर घर जो जल जीवन मिशन से हम लोग जुड़ चुके हैं, सिवाना के अंदर पानी की बहुत बड़ी मांग थी।
आज भी सिवाना में मैं मानता हूँ कि पानी की कमी है, पर मोटली से लगा के पाइपलाइन का काम चल रहा है और हमारा सपना है कि मुख्यमंत्री जी के नाम से ये योजना इलेक्शन से पहले पहले अगर पहुंच जाए तो ये मेरा भी सपना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो इस चीज को दिया है, पिछले का सरकार के अंदर इस कार्य को रोक दिया गया था, पहले इसको मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति देके इस योजना को चलाई थी। पिछले 5 साल में आपने देखा हो तो आसोदरा के पास में पाइपलाइन को डाल दिया और उसके अंदर बबूल उग गए थे, उसी योजना को वापस पुनः उस ठेकेदार को नोटिस दिलवाया, 6 महीने का नोटिस टाइम पीरियड था, फिर वापस नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये मोटली से 10 किलोमीटर जो पाइपलाइन रुकी थी उसका काम चल रहा है। और मेरा भी सपना है, मुख्यमंत्री जी का भी है कि भाई ये टाइम पे हो जाए इलेक्शन से पहले, पर कैसे भी करके सिवाना के अंदर पानी हमारा पहुंचाने का लक्ष्य है जो पहुंच जाएगा। तो इस विभिन्न प्रकार की उसके साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से गरीब आम मजदूर किसान आदमी तक पहुंचना हो, तो आपने देखा होगा चिरंजीवी योजना, वो अपने आप में मैं मानता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि 25 लाख रुपए की एक गारंटी आप और मैं भी अगर आज बैठे हैं, भगवान ने अगर किसी को सक्षम बनाया या नहीं बनाया, 25 लाख रुपए की जो योजना इंश्योरेंस जो गारंटी दे रहा है, इससे बढ़िया तो चीज क्या हो सकती है। ह्यूमन एक उसमें अगर किसी के लिए मदद हो जाए जी। उसके बाद में दुर्घटना बीमा 10 लाख। मैं आपको बताना चाहूंगा मनोज जी कि मैं कई जगह गया हूँ, कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं हो गई, एक्सीडेंटल हो जाए, इलेक्ट्रिक हो गया, कहीं डूबने से हो गई। आप बताओ कि अभी जैसे राखी गांव में अपना बिफर जो है तूफान आया था और एकदम से रातों रात उस तालाब में पानी आ गया और दूसरे दिन वो उसने सोचा नहीं कि तालाब के अंदर डीप में इतना पानी होगा और वो पानी में गया और एक व्हील हमारा था व्यक्ति उसकी डेथ हो गई, मैं भी उसी में था, हम लोगों ने बॉडी निकाली गई। उसके मैं जब घर गया और मुझे रियलाइज हुआ, मैं जब बैठने गया था उसके घर तो मैंने उसके बच्चे देखे तो 12 साल के 13 साल के बच्चे थे। अब आप मुझे बताओ कि घर के ऊपर तो पार्ट टूटा ही था, एक उसकी बच्ची थी, 2 बच्चे थे, उसकी धर्मपत्नी थी, उसकी उन सब के ऊपर तो पार टूटे ही था। अब उनके ऊपर आर्थिक मजबूरी एकदम आई, बच्चों की पढ़ाई जी, घर का खर्च, तो एक वो जो 10 लाख रुपए आएंगे उसको अगर प्रॉपर तरीके से लगा के बच्चों की पढ़ाई, एक उसको घर के अंदर आज जो मदद मिली है वो कोई दूसरा रिश्तेदार चाह के भी कर सकता था 10 लाख रुपए की। आप खुद सोचें कि 10 लाख रुपए की वो जो मदद उस परिवार को एकदम से मिली है, आर्थिक संबल मिला है, तो उन इतने बड़े पार टूटे हुए वो आदमी तो वापस नहीं ला सकते, पर उस व्यक्ति के पास जो रोज की मजदूरी दैड़ी कमा के लाके खाने वाले आदमी के पास अगर 10 लाख रुपए का संबल मिला तो अपने आप में एक सोचने की बात है। नहीं, ये योजना फायदेमंद तो बिल्कुल आपने इसे बताया, लेकिन इसके अलावा जो भी कई योजनाएं हुई तो उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। तो इस हिसाब से मतलब गिनाने बैठूं तो शायद अपनी पूरी रात इसमें निकल जाए। आपने बीच में एक बात पानी की कही और पानी की कमी को आपने भी माना कि सिवाना में पानी की कमी है, तो इस पानी की कमी को कुछ हद तक कम करने के लिए सिवाना से नजदीक एक माही बांध है, उसको लेकर बात की जा रही है कि उसका पानी जो है गुजरात जाता है, उसकी जगह सिवाना में अगर आ जाए तो ये पानी की कमी कम हो सकती है, इस पर क्या कहती है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल है साहब, कि अगर पानी माही का डैम का पानी अगर अपने को मिल जाए, नदी का पानी मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या सोने में सुहागा। तो कैसे मिलेगा? आपके जरिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि बहुत पुरानी योजना है, बहुत लंबे टाइम से इसकी डिमांड है और ये मरुस्थल बिल्कुल ही मतलब जबरदस्त चीज बन जाए अगर ये पानी आ जाए तो। हर एक पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए सर, अगर अपन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ की खेती बाड़ी जिस तरीके से यहाँ पे अनार बहुत अच्छा सक्सेस हो रहा है, जीरे के भाव यहाँ पे हमारे इस एरिया में जीरा बहुत अच्छा होता है, हमारे इस एरिया में सरसों बहुत अच्छी होती है, अपने इस एरिया में बाजरा जो आज 2200 रुपए का भाव हो गया, कभी हमने सपनों में नहीं सोचा था कि बाजरे के रेट 2200 रुपए हो जाएंगे, चारे की बहुत अच्छी रेटें मिलती है, पशुधन बढ़ गया लोगों का, शहरों में उनकी डिमांड है, तो अगर पानी आ गया तो ये एरिया पूरा स्वर्ग बन जाएगा। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने बीड़ा उठा के इसकी डीपीआर के लिए बजट तो सैंक्शन किया, डीपीआर बनेगी, काम शुरू हुआ। और मैं चाहता हूँ अगर सरकार वापस रिपीट हो तो मुझे लगता है कि योजना भी पूरी हो जाएगी, योजना भी स्वीकृत हो जाएगी। सरकार रिपीट हो और यदि विधायक यहाँ से आप बनते हैं तो किस तरह से पैरवी करेंगे कि जल्द से जल्दी काम हो और यहाँ पर जो लोगों की पानी की समस्या दूर हो? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं माही का तो पुरजोर से करूँगा इसके प्रयास कि ये पानी आ जाए, उसके साथ साथ मैं इस पर भी कोशिश करूँगा कि जो ये हमारा पाली में जो अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, उनके जो रासायनिक पानी आ रहा उस पर कुछ हो,
उसमें एनजीटी का भी काफी बड़ा रोल है, उनको भी आना चाहिए आगे, सरकारें भी कर रहे हैं। मैं तो सभी से मांगता हूँ कि इस पानी के मुद्दे के ऊपर, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि अगर एक बार ये पानी चला गया हमारी नदी में से तो 10 साल के लिए किसान की आय खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मैं भी एक किसान हूँ, कैसा भी किसान हूँ, मैं भी आपको बताऊँ किसान हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हूँ जमीन पे, मेरे यहाँ से भी लूणी नदी निकल रही है। अगर एक साल वो पानी आ जाता है तो 10 साल तक हमारी जमीनें बंजर हो जाती, हमारी उपज जमीन की खत्म हो जाती। बड़ी मुश्किल से हमने उस पानी को रोक के जैसे तैसे करके और वापस अपने खेतों को सुधारा है, तो एक काश्कार आदमी की क्या हालत होती। तो पिछले लंबे समय से भाजपा की सरकार है, कई ऐसे किसानों को जानते होंगे जो सरकार तक उन्होंने अपनी समस्या को पहुंचाया होगा, क्या लगता है कि क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया इस शासनकाल में? मुझे लगता है लंबे टाइम से यहाँ बीजेपी का राज रहा है, बीजेपी की सरकारें भी आई है, ये तो विधायक जी को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, यही तो मेरा सवाल आपसे। विधायक जी से मैं भी यही सवाल करता हूँ कि साहब जो इतना ज्वलनशील मुद्दा था उसके ऊपर तो आपको पैरवी करनी चाहिए थी, पानी आपको सरकार के टाइम लाना चाहिए था। आप खाली विधानसभा में इस चीज की बात उठा लेते हो, आपने जो जैकेट पहना वो जैकेट आप उसी वक्त पहन लेते, आज ये नौबत नहीं आती। क्या लगता है, क्या रोक रहा है उन्हें कि ये कदम नहीं बढ़ा रहे आगे? वो तो वही बता पाए, रोकने का तो मैं कैसे बता। आप भी एक नेता है, समझते होंगे। देखो मैं तो मनोज जी आपको बताऊं, हमेशा आपने अगर देखा हो तो मैं तो स्पष्ट और सभ्य राजनीति में विश्वास रखता हूं। ना तो मैं किसी के ऊपर अनगल कोई तरह के आरोप लगाना चाहता हूं, ना मैं किसी तरह की ओछी राजनीति में, ना तो मेरे खून में, ना मैं करना चाहता हूं। मैं जो कुछ है स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर हमारी कुछ कमियां रह गई है तो भी मैं मानता हूं और करना चाहिए। और जिस किसी को अगर भगवान ने मौका दिया है, 10-10 साल से आप एमएलए बन के बैठो, 10 साल एमएलए का जनता ने बहुत लंबा समय दिया था। तो इन 10 सालों में मेरी उपलब्धि गिनाना नहीं चाहता हूं कि पिछले 5-7 साल से बिना जीता भी दौड़ना मेरा फर्ज था। मैं आया इसीलिए, पब्लिक सेवा में आया तो हमारा काम है ना, आगे टिकट मिले, चुनाव लड़े नहीं लड़े, पर जनता के बीच में तो खड़े रहे, जनता के मुद्दे तो उठाए हैं, जनता के लिए पैरवी करी है, तो अपना फर्ज तो बनता है। तो 10 साल से मौजूदा विधायक के आप कार्यकाल को देख रहे हैं, किस तरह से आप उसको एनालाइज करते हैं? मेरे हिसाब से तो विधायक महोदय की अगर रिपोर्ट कार्ड पे अपन बात करें तो ज्यादा अच्छी रिपोर्ट कार्ड रही नहीं। क्या कुछ क्षेत्र है जहां पर विकास कार्य कई विरोध उनकी पार्टी में विरोध वगैरह हो रहा है, और माननीय विधायक साहब अगर चाहते तो एरिया का बढ़िया काम हो सकता था, काफी योजनाएं थी जिन योजनाओं को वो लाभ ले सकते थे, सड़कों का विस्तार करवा सकते थे। एक स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे निकला है या स्टेट हाईवे निकला, वो भी केंद्र सरकार का दिया हुआ है, राज्य सरकार से यहाँ बड़ी उपलब्धि क्या लाए, पानी का था या कोई भी नदी का था, और भी सड़कें जो बनी है, स्टेट हाईवे जो बनी है, स्टेट हाईवे निकल रही थी, उसका हुआ क्या? अच्छा, विपक्ष तो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत कई योजनाएं तो लाए, जैसे कि आपने चिरंजीवी योजना का बात कही, फोन की भी एक फोन वितरण की कार्य शुरू किए गए हैं, महंगाई राहत कैंप लगाया गया था, पर उनका यह कहना है कि चुनावी साल में क्यों ऐसा किया, पहले क्यों नहीं ऐसा किया? सर चुनावी साल कैसे आप कहते हो सर, अगर आप मुख्यमंत्री जी के 3 कार्यकाल देखें, हर कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने तो, अपन तो एक ह्यूमन है, मुख्यमंत्री जी ने तो जानवर जो होता है बेचारा बोल नहीं सकता, उनके लिए तक दवाएं फ्री कर दी, कोई पहली बार तो मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं। आप अगर देखें तो जैसे ही सरकार बनी, लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार अपने जमी और 2 साल तो कोविड में निकल गए, जिस तरीके से आप ये क्यों नहीं कहते हो मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना काल में काम किया, जो राजस्थान एक मॉडल बना, वो चुनावी साल का काम तो उन्होंने, इंसान को बचाना हो चाहे लंपी का टाइम आया तो काम तो उन्होंने वो भी किए थे ना सर। 2021 या 22 में प्रशासन गांवों के संग चालू हो गया था, 10 लाख पट्टे का टारगेट था, और गांवों में हमने हमारे हाथों से दिए, आप फोटो के देखें कई जगह, जिन लोगों को पट्टा नहीं मिला था उसको ना तो सरकारी योजना का लाभ मिल रहा था, उसके बच्चों की दिक्कत आ रही थी, जिन लोगों को पट्टे दिए गए साहब उनकी खुशी आप देखते, हमने हमारे हाथों से दिए, तो क्या साहब 2022 से काम नहीं चल रहा क्या? ऐसी योजनाएं तो कई नहीं चल रही, क्या पहली बार ही योजना है? चिरंजीवी उस वक्त नहीं था क्या? 2022 में चिरंजीवी चालू हो गया था, बजट बढ़ता गया जी। पर योजनाएं तो हुई थी, एक टेलीफोन दे दिया उसको आप चुनावी घोषणा कह रहे हो? वृद्ध महिला या महिला को एक सक्षम होने के लिए कोई आज टेलीफोन आपको बताए, बिना फोन अपन बिना पैसे घर से निकल जाते हैं, पर बिना फोन अपन घर से नहीं निकल पाते जी। तो अगर महिला को सशक्त करने के लिए अगर फोन दे दिया तो एक चुनावी घोषणा होगी। ऐसा आप मुझे बताओ कि पिछले 4 साल में काम नहीं हुए क्या? मैं आपको गिना रहा हूं, रात दोनों हॉस्पिटल कंप्लीट हो गए, तो क्या वो आज ही कंप्लीट हुए? हॉस्पिटल को आज चुनाव के टाइम ही कंप्लीट हुए? कॉलेज बन गई, कॉलेज के इलेक्शन हो गए, कॉलेज के यहाँ अध्यक्ष बन गए, तो क्या आज चुनाव साल में हुआ क्या? सड़कें बन के जिन सड़कों से आप घूम रहे हो, हम अपन सब घूमते हैं, वो क्या आज ही हुआ क्या?
अगर अपन सिवाना की बात करें, चाहे सिवाना से हम जीते या नहीं, कामयाब हुए या नहीं हुए, क्या सरकार ने कमी रख दी मेरे को आप ये बताएं। सड़क, स्कूल है, महात्मा गांधी स्कूल है, पट्टे दिए हैं, आप डेटा उठा के देखें, मेरे ख्याल से हम लोग वार्ड में सेकंड थर्ड नंबर पे हम लोग आए थे पट्टे देने में, प्रशासन गांवों की तरफ उस टाइम से हम लोग पट्टे देते हैं, उसके बाद में तो कई अधिकारी चेंज हो गए, 22 से हम लोग चल रहे हैं, तो वो कहाँ चुनावी साल, 22 से पहले तो आपको पता है कोरोना था 2 साल, तो अगर कोरोना में भी अपने राजस्थान का एक मॉडल बना तो क्या वो भी चुनावी साल हो गया था, तो चुनावी साल कैसे हो गया जी। एक जो इन योजनाओं के बीच एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा जो हुई, 19 नए जिले और 3 नए संभाग, जिनमें से बालोतरा से भी एक नया जिला बना, तो क्या लगता है इसका कितना फायदा इस बार जो है कांग्रेस को होने वाला है? सर, अगर एक परिवार होता है अपना बड़ा, उसमें से सब अलग अलग भाइयों का एक रीत चली है, दो भाई के भी घर अलग होते हैं, सब साथ बैठे तो अलग अलग अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी। जो यहाँ पे बड़ी पंचायतें थी, आदमी को यहाँ से वहां जाना पड़ता था, अगर पंचायत को छोटा करके उसको सहूलियत मिली या परेशानी हुई, अगर किसी, मेरा गांव रानी देसीपुरा है और अगर मेरा गांव किसी और गांव के साथ जुड़ा हुआ होता तो मुझे वहां जाने में दिक्कत होती या मेरे गांव में ही हो गया, उससे मेरे को आराम मिला। वही चीज जिला बनने से, जो बड़े बड़े जिला थे, आज मैं जिस जगह बैठा हूँ यहाँ से बाड़मेर मेरा 170-160 किलोमीटर पड़ता है, और 30 किलोमीटर पे अगर जिला बन गया, पूरे एरिया के लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जिले पे सभी अधिकारी बैठेंगे, जिले लेवल के अधिकारी बैठेंगे, तो यहाँ के ग्रामीणों को जो एक ऐतिहासिक काम किया, मेरे ख्याल से भारत आजाद होने के बाद में पहली बार इतने बड़े जिले बने और इतने इस तरीके से चीज, तो इसमें से तो फायदा ही हुआ ना, नुकसान किसको हुआ मेरे को पता, इस चीज से नुकसान क्या हुआ? ये एक डेवलपमेंट की बात है ना, कि आज बालोतरा जिला बन गया, ब्यावर जिला बन गया, जो लंबे लंबे समय से मांग थी, सब 150-200 किलोमीटर दूर जाना, ये कोई फाइबिलिटी? एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये लूंगा कि यदि कांग्रेस की तरफ से एक बार टिकट आपको मिलता है, तो कितने हजार वोटों से सिवाना में जो है कांग्रेस का झंडा लहरा सकता है आपको? सब, मैं तो एक मेरा वोट है, झंडा तो लहराएगी पब्लिक, और वो पब्लिक ने मूड बना लिया, पब्लिक सब समझती। मैंने आपको जिस तरीके से बताया, मैं भी एक एजुकेटेड आदमी हूँ, समझ मुझे भी आता है कि एंटी इनकम्बेंसी वेव, झूठी घोषणाएं और पब्लिक का काम, मैं मानता हूँ पब्लिक 10 काम में से 9 काम हुए हैं, एक काम नहीं हो सकते, 10 के 10 नहीं हो सकते जी। पब्लिक जैसे चाहती है वैसे 10 के 10 काम नहीं हो, पर एटलीस्ट पब्लिक सेटिस्फाइड है, उनको 9 काम 7 काम तो उनके हुए, तो इस सेटिस्फेक्शन का रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मैं उसी बता रहा हूँ कि जबकि मुख्यमंत्री जी ने जितने बजट घोषणाएं की, विपक्ष ने खूब हल्ला किया था, ये सिर्फ घोषणाएं हैं, वो 80-85% तो आज अगर आपके पास आंकड़े होंगे 80-85% क्रियान्वित हो गए, तो उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम लोगों ने जो एक होके जो हमने मैसेज दिया है कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को और लोगों के बीच में, हमने एक होके जो काम किया है, लोगों के तरीके से ज्यादा ज्यादा फायदा मिले, तो उसका निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार भारी मतों से कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। अपने आप में बीजेपी में अगर आप देखें तो उनका खुद का ही माहौल जो हमेशा नहीं रहता था, कांग्रेस बीजेपी के अंदर एक ही डिसाइडेड होके जो एक साथ होके चुनाव लड़ते थे, इस बार आप बीजेपी का भी देख लें किस तरीके से इनका बिखराव हो रहा है, तो इस बिखराव का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। बिखराव का फायदा तो मैं नहीं कहता, कांग्रेस अपने आप में खूब फायदा है, पर इनका बिखराव है वो भी अच्छा नहीं। लेकिन आपने सवाल का जवाब दिया नहीं कि आपको यदि टिकट मिलती है तो कितने हजार वोट से कांग्रेस यहाँ पर आप जिता सकते? सर, अगर आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने भी इस चीज पे काम किया है, कहाँ से कैसे कौन सी कैसे क्या प्लान है, मतलब मेरा होता है, तो मेरा मानना है कि अगर अच्छी तरीके से एक होके हम लोग अगर चुनाव लड़े तो सिवाना में मार्जिन का, जो जीत का मार्जिन है वो 40,000 प्लस रहना चाहिए, 65% वोटिंग होती है उसमें से, अगर दो मुख्य पार्टियां खड़ी होती है जी, तो 1,50,000-1,60,000 का वोट रेशियो होता है, तो उसमें जो काम, जो योजनाएं, जो लोगों के बीच में रहे, जिस तरीके से लोगों में माहौल है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकारें होते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और आपकी कई सर्वे आ गई जिससे सरकारें रिपीट हो रही है, और हमारा सबका पब्लिक के बीच में रहना स्पष्ट और सभ्य राजनीति करनी, किसी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं लेना ऊपर, ना कोई जातिवाद का एलिगेशन लेना, ना किसी तरीके का कोई, किसी भी तरीके का एलिगेशन नहीं आया, और पब्लिक के बीच में रहे, स्पष्ट तरीके से रहे, सभ्य तरीके से रहे, तो पब्लिक का रुझान है जो दिख रहा है हमारे को, उसके बेसिस पर। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और मौजूदा दावेदार पंकज प्रताप सिंह जी, जिनका ये कहना है कि इस बार जितनी भी खामियां पिछले चुनावों में रह गई थी उसको कांग्रेस ने चिंतन मंथन करके दूर किया है,
इस बार कांग्रेस जो है एकजुट है और इस बार कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और 40,000 वोटों से इन्होंने कहा है यहां पर हम जीत कर कांग्रेस का परचम जो है जनता लहराएगी। आप देख रहे थे कौन बनेगा विधायक, मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए नेता के साथ। जय हिंद।